हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग द जहान फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45 हो गए और आज अष्टमी नवरात्र है और आज कन्या पूजन भी है। तो आप सबको कन्या पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोग अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं और कुछ नवमी में करते हैं और हम अष्टमी में कन्या जिमाते हैं। तो बस उसी की तैयारी चल रही है और अभी मैं हूँ किचन में और इधर मम्मी जी बना रही है आलू और चने की सब्जी और सूजी का हलवा हमने रेडी कर दिया है। पूजा भी हमने कर ली है और बस अब पूरी बनानी रह गई है। तो चलिए फिर जल्दी से अपने काम निपटाते हैं और फिर जाएंगे कन्या को ढूंढने के लिए, जो कि आज का सबसे मुश्किल काम होता है, और फिर उसके बाद कन्या जमाएंगे। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। और अब हम पूरी बनाने लग गए हैं और पापा जी चले गए हैं कन्याओं को ढूंढने के लिए, क्योंकि कन्याएं मिलती नहीं हैं। तो इसलिए अष्टमी और नवमी वाले दिन तो कन्याओं की अलग अलग टोली बन के अलग अलग जगहों पर चली जाती है और पता ही नहीं चलता। लोग सुबह से ऐसे ही घूमते रहते हैं और इसलिए वो मिलती नहीं है जल्दी से। तो इसलिए पापा जी को हमने पहले ही भेज दिया है ताकि जब वो आएंगी तो उन्हें गर्म गर्म पूरी खाने को मिले। हमने कहा इतना आप कन्याओं को ढूंढो और इतना हम पूरी तैयार करते हैं, तो फिर वो गरम गरम पूरी खा लेंगी जैसी आएंगी ना। और पूरियाँ बनने के बाद हमने जो भोग के लिए निकाला था खाना सबसे पहले वो, और प्रसाद सबसे पहले माता रानी को खिलाया। तो मम्मी यहाँ पर वही कर रही है, भोग लगा रही है माता रानी को। तो बस कन्याएँ आने ही वाली हैं। और यहाँ पर हमने टीवी चला रखा है, इसमें कुछ हॉलीवुड की मूवी आ रही है, भाई देख रहा है कुछ एवेंजर टाइप। और बाहर का आज मौसम की बात करें तो आज काफ़ी धूप हो रखी है और गर्म मौसम हो रहा है। हालांकि हमने स्वेटर पहन रखी है क्योंकि हमें जुकाम खांसी नज़ला चल रहा है ना आजकल, तो वो हो रखा है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चावल और जैसे ही मैं चावल रख रही थी वैसे ही सब कन्याएं आ गई हैं। पापा जी कन्याओं को लेकर आ गए हैं। तो चलिए इन्हें खाना खिलाते हैं और दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। अच्छा और भी है क्या?
पापा किधर है? मेरे पास पापा नहीं। पापा किधर? चौहान फैमिली नाम से बोलो, लाइक सब्सक्राइब कर दो, बोलो तो अब कन्याओं ने खाना खा लिया है, भोजन कर लिया है और अब वो हाथ धो रहे हैं और इसके बाद उन्हें प्रसाद देंगे और दक्षिणा देंगे और बस फिर वो अपने घर की ओर जाएंगे। देखिए यहाँ उन्हें लेने के लिए ऑलरेडी कितने सारे आ रखे हैं। मतलब ऐसे ही होता है, जैसे मतलब एक घर में जी भी होती कन्या है तो पहले से ही वहाँ जाके खड़ा होना पड़ता है, तब जाके वो कन्याएं हमारे घर में आती है। कन्याओं की आज बहुत डिमांड होती है, इसी तरह हमारे घर में भी आ रखे थे। और बस अब हम कन्याओं को प्रसाद वितरण कर रहे हैं और दक्षिणा दे रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आगे की वीडियो। ओके बाय बाय बाय। तो कन्याएं तो भोजन करके चले गई है और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और भाई के लिए रोटी, क्योंकि हमने पूरियां नहीं खानी है क्योंकि सर्दी जुकाम हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भात ले लिया है, मम्मी ने कहा कि गर्म गर्म भात है तो खा सकते हैं हम। सर हम ना भात के बिना नहीं रह सकते, चावलों के बिना नहीं रह सकते, हमें जरूर चाहिए होते हैं, चाहे खांसी हो, बुखार हो, जुकाम हो, कुछ भी हो। तो हमने कहा थोड़ा सा भात ले लेते हैं, थोड़ी सी रोटी खा लेते हैं। और कन्याएं तो खाती नहीं है ज़्यादा, कन्याएं तो ऐसे कह रही थी कि एक कटोरी में से हम सब खा लेंगे एक साथ, एक कटोरी में से दो ने खाया, एक कटोरी में से चार ने खाया, तो ऐसे करके उन्होंने भोजन किया। और चलिए फिर अब हम भी भोजन करते हैं और आइए आप सब भी हमारे साथ खाना खाइए और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये बज गए हैं दिन के दो और मम्मी जी आज साड़ी पहन के, कीर्तन मंडली की साड़ी है, साड़ी पहन के तैयार हो गई है क्योंकि मम्मी का आज कीर्तन है। लालढांग में काफ़ी शादियाँ हैं तो उन्हीं शादी वाले घरों में से एक घर में मम्मी और की कीर्तन मंडली का कीर्तन है, तो मम्मी वहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। और मम्मी जी ने पूरी मतलब तैयार हो गई है, तब मम्मी को याद आया कि नाखून पॉलिश भी लगानी है, बस मम्मी वही कर रही थी। और अब मम्मी जी रेडी हो गई है जाने के लिए। और ये मम्मी का हाथ में थैला है, मम्मी ने इसमें रख रखी है स्वेटर, क्योंकि अभी तो धूप हो रही है इसलिए ठंड नहीं लग रही है, लेकिन आते समय मतलब काफ़ी अंधेरा भी हो सकता है तो आते समय ना ठंड भी लगेगी। और यहीं नहीं है मतलब काफ़ी दूर जाना है तो शायद ऑटो में जाएंगे मम्मी लोग, तो बस मम्मी वहीं जाने की तैयारी कर रही है। आठ और मैं अभी हूँ किचन में और मम्मी जी और पापा जी जा रहे हैं आज शादी की दावत में, और क्योंकि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और लालढांग में काफ़ी सारी शादियाँ, मतलब तीन शादियाँ तो है ही आज, मतलब आज जहाँ दावत है। तो मम्मी जा रखी है, मम्मी जी तो चले गई हैं और पापा जी अब जाएंगे और मैं और भाई नहीं जा रहे हैं, हालांकि हमारे लिए सपरिवार दावत है लेकिन हम फिर भी नहीं जा रहे क्योंकि हमें खांसी जुकाम हो रखा है। इसलिए मैंने रोटी बना ली है और अब हम घर में ही खाना खाएंगे, शादी के दावत नहीं खा सकते हैं। तो फिलहाल बस अब निकालते हैं अपने लिए डिनर, दिन की चने आलू की सब्ज़ी रखी है और रोटी बनाती है वही खाएंगे। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं जल्दी अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।